हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, एक भाई का कमेंट है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस भाई का कमेंट है कि हमें एक ऊर्जा का कंप्लीट सेटअप चाहिए, जिस सेटअप के अंदर 1300 वाट्स का ऊर्जा का जो न्यू टॉप लॉन्च हुआ है वो हमें चार चाहिए, और इस सेटअप के अंदर हमें 2600 वाट्स का ऊर्जा की तरफ से अभी तक का जो हैवी वाट्स का डुअल बेस है वो हमें दो चाहिए। साथ ही गाइस, इस सेटअप में चलाने के लिए हमें ऊर्जा का एम्पलीफायर चाहिए जो कि चार टॉप को चला सके, और 2600 वाट्स का डुअल बेस को चलाने के लिए भी ऊर्जा का हमें एम्पलीफायर चाहिए। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये चार टॉप को चलाने के लिए ऊर्जा का कौन सा एम्पलीफायर बेटर रहेगा, कौन सा सीरीज का एम्पलीफायर हमें सही रहेगा, और बेस को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर सही रहेगा, कैसे इसका कनेक्शन करना है ताकि इन फ्यूचर आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले और मेरा साउंड क्वालिटी 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनने को मिल जाए, और गाइस इस सेटअप को लेने में कितना कॉस्टली प्राइस लग जाएगा ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गाइस उसका यूजर आईडी आप लोग को स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। आपके मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव जो भी सवाल है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस सेटअप में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऊर्जा PA स्पीकर सिस्टम के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को SPX1510 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये ऊर्जा की तरफ से हाल ही में इस टॉप को लॉन्च किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी वाटेज का ऊर्जा की तरफ से अब तक का ये टॉप है, जिसका पावर रेटिंग आप लोग को 1300 वाटेज RMS देखने को मिल जाएगा और 2600 वाटेज इसका प्रोग्राम पावर देखने को मिल जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप लोग को 45 से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। इस टॉप के अंदर आप लोग को 15 इंची का 2 स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2-way स्पीकर सिस्टम है टॉप है, जिसके अंदर आप लोग को HFP देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, इस टॉप के अंदर आप लोग को 650 वाट्स के 1 स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जिसका वॉइस कॉइल का साइज आप लोग को 4 इंची देखने को मिल जाएगा। इस टॉप का इंपीडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिल जाएगा, जो कि 4 ओम पर ही आप लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस टॉप का नेट वेट आप लोग को 77 kg देखने को मिल जाएगा, जो कि इस टॉप को कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए दो आप लोग को हैवी आदमी का जरूरत पड़ेगा, तभी आप लोग इस टॉप को ले जा सकते हैं। तो गाइस यार, ये ऊर्जा की तरफ से 1300 वाट्स का हाल ही में ये टॉप लॉन्च हुआ है, जो कि इस टॉप को लॉन्च हुआ 1 से 1.5 महीना ही हुआ, जो कि काफ़ी है बेहतरीन क्वालिटी का ऊर्जा के तरफ से 1300 वाट्स का अब तक का बेहतरीन क्वालिटी का टॉप है, जो कि इसके अंदर आप लोग को बेस भी मिल जाएगा और मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी भी मिल जाएगा, जो कि इस टॉप के अंदर ऊर्जा ने इस बार 100 वाट्स का आप लोग का HF यूज किया गया, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। गाइस यार, बात करेंगे कि इस टॉप का प्रोक्स प्राइस मार्केट में कितना देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, इस टॉप का प्रोक्स प्राइस आप लोग को 40,000 से 45,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ऊर्जा का 1300 वाट्स का ये टॉप ले सकते हैं। गाइस यार, हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइस 1,000, 1,500, 2,000 ऊपर नीचे देखने को मिले, तो आप लोग अपना मैनेज कीजिएगा। तो जैसा कि भाई का कमेंट था कि हमें इस टाइप का चार टॉप चाहिए और 2 बेस चाहिए, तो गाइस यार हम इस टाइप का चार टॉप लेंगे तो चार टॉप का प्राइस आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब गाइस यार, हम बात करेंगे कि डुअल बेस के बारे में, जो कि ऊर्जा का बेस होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम ऊर्जा का ही PA सबवूफर सिस्टम लिए हैं, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को SWX2600 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये डुअल बेस है ऊर्जा के कंपनी की तरफ से, काफ़ी ये बेहतरीन क्वालिटी का बेस है, जिसका पावर रेटिंग आप लोग को 2600 वाटेज RMS देखने को मिल जाएगा और 5200 वाटेज इसका प्रोग्राम पावर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, ये ऊर्जा की तरफ से 2600 वाटेज का डुअल बेस है, जिसके अंदर आप लोग को 18 इंची के 2 स्पीकर फिट किए गए, जिसका वॉइस कॉइल का साइज आप लोग को 5 इंची देखने को मिल जाएगा। इस डुअल बेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप लोग को 35 से 200 वाट्स देखने को मिलेगा, जो कि बेस का क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का निकल कर आएगा। इस डुअल बेस का नॉमिनल इंपेडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिलेगा, जो कि इसके अंदर 2 स्पीकर फिट है 8-8 ओम वाला, तो इसलिए 4 ओम हो जाता है। इस डुअल बेस का नेट वेट आप लोग को 105 kg देखने को मिलेगा। तो कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि ये डुअल बेस ऊर्जा की तरफ से हैवी वाटर्स का डुअल बेस है, जिसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इसका कैबिनेट भी काफ़ी नंबर 1 क्वालिटी का है, जो कि आप लोग को बेस में सुपर पंच और वाइब्रेशन मिल जाएगा। गाइस यार, बात करेंगे इस डुअल बेस का प्रोक्स प्राइस के बारे में। तो गाइस यार, इस डुअल बेस का प्रोक्स प्राइस आप लोग को 60,000 से 65,000 के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में ऊर्जा का अब तक का सबसे हैवी क्वालिटी का
डुअल बेस ले सकते हैं जो कि 2600 वाट्स का डुअल बेस है, लेकिन आप लोग इसे 3000 और 3500 वाट्स तक भी बजिएगा तब का ये डुअल बेस बिल्कुल ही नहीं जलेगा, रन करता रहेगा और इजीली ये चलता रहेगा। अब गाइस यार हम बात करेंगे कि इस सेटअप में हमें दो डुअल बेस लेना है, तो दो डुअल बेस को आप लोग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा 4 टॉप और 2 डुअल बेस कंप्लीट हो गया जैसा कि भाई लोग का रिकमेंड था। अब गाइस यार बात करेंगे कि 4 टॉप को और इस डुअल बेस को चलाने के लिए औजा का ही कौन सा मॉडल का एम्पलीफायर लें ताकि हमें सुपर पंच और वाइब्रेशन मिल जाए और मेरे टॉप में भी साउंड क्वालिटी दूर तक सुनने को मिल जाए। तो गाइस यार यहाँ पर हम टॉप के चलाने के लिए यूज करने वाले हैं औजा का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को एलेक्स है 6000 देखने को मिल जाएगा, जो कि औजा की तरफ से एलेक्स सीरीज का काफ़ी ये बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर है जो कि काफ़ी ये बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट निकाल कर दे देता है। इस एम्पलीफायर का पावर आउटपुट आप लोग को 8 ओम पे 1300 वाट्स दोनों चैनल पे देखने को मिल जाएगा आरएमएस में, और 4 ओम पे 2000 वाट्स दोनों चैनल पे देखने को मिल जाएगा आरएमएस में, और 2 ओम पे 3000 वाट्स ये देखने को मिल जाएगा आरएमएस, जो कि ये दोनों चैनल पे निकाल कर दे देगा। इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर आप लोग को 400 देखने को मिलेगा और इस एम्पलीफायर का नेट वेट आप लोग को 39 केजी देखने को मिलेगा। चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर का प्रोडक्ट प्राइस के बारे में। तो गाइस यार इस एम्पलीफायर का प्रोडक्ट प्राइस आप लोग को 55000 से 60000 के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग औजा का 6000 वाट्स का एम्पलीफायर ले सकते हैं। हो सकता है गाइस कि आपके मार्केट में इसका प्राइस 2000-4000 कम और ज़्यादा देखने को मिले, तो आप लोग वहाँ पर अपना मैनेज कीजिएगा। अब गाइस यार बात करेंगे कि डुअल बेस को चलाने के लिए औजा का एम्पलीफायर हमें चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम औजा का ही एक और डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर लिए हैं, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को एलेक्स 7600 देखने को मिलेगा, जो कि औजा की तरफ से एलेक्स सीरीज का अब तक से सबसे हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका पावर आउटपुट है। इस एम्पलीफायर का पावर आउटपुट आप लोग को 8 ओम पे 1600 वाट्स दोनों चैनल पे निकाल कर दे देगा, और 4 ओम पे 2600 वाट्स दोनों चैनल पे निकाल कर दे देगा, और 2 ओम पे 3800 वाट्स दोनों चैनल पे निकाल कर दे देगा। तो गाइस यहाँ पर हमें डुअल बेस चलाना है तो 4 ओम पे वाट्स से हमें मतलब है, 2 ओम और 8 ओम से कोई हमें लेन देन नहीं है। इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर आप लोग को 400 देखने को मिलेगा। तो गाइस यार इसमें आप लोग को पंच भी मिल जाएगा और वाइब्रेशन भी मिल जाएगा। अगर गाइस आप लोग ज़्यादा वाट्स का आप लोग एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं, पंच भी ज़्यादा चाहते हैं, तो आप लोग NX IDEO MT2201 की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आप लोग को डंपिंग फैक्टर 1200 या 1000 देखने को मिल जाता है, तो उसमें आप लोग को पंच इससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन गाइस भाई लोग का रिकमेंड था कि हमें टोटल औजा का ही एम्पलीफायर चाहिए और औजा का ही टॉप चाहिए, तो इसमें औजा का ये एम्पलीफायर काफ़ी बेस्ट है 2600 वाट्स का डुअल बेस चलाने के लिए। कैसे कनेक्शन करना है, कैसे ऑपरेट करना है आगे आप लोग को जस्ट मालूम चलेगा। तो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के नेट वेट के बारे में। तो इस एम्पलीफायर का नेट वेट आप लोग को 39 kg 500 ग्राम देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी वजन है। इस एम्पलीफायर का प्रोडक्ट प्राइस आप लोग को 70000 से 72000 के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि ये एम्पलीफायर आप लोग को इजीली कहीं पर भी मार्केट में औजा का एम्पलीफायर मिल जाता है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस आप लोग के मार्केट में कम और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार यहाँ पर मेरा टॉप चलाने के लिए और बेस चलाने के लिए एम्पलीफायर चूज कर लिए, कैसे कनेक्शन करना है आगे हम बात करेंगे। बट गाइस यहाँ पर साउंड क्वालिटी को मिक्सिंग करने के लिए औजा का ही हम यहाँ पर IDEO मिक्सर मिक्सिंग कंसोल है, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को AMX912DP देखने को मिल जाएगा, जो कि यह औजा की तरफ से 9 चैनल का मिक्सर है, जो कि डिजिटल मीडिया प्लेयर इसके अंदर आप लोग को फैसिलिटी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग इस मिक्सर को ब्लूटूथ के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट चिप डाल के ऑपरेट कर सकते हैं, या गाइस MMC कार्ड के द्वारा भी आप लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि यह 9 चैनल का औजा की तरफ से काफ़ी है बेस्ट क्वालिटी का मिक्सर है। इस मिक्सर का प्राइस आप लोग को 10000 से 12000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि इस सेटअप को कैसे कनेक्शन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ताकि आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो गाइस यार एक टॉप का वाटेज 1300 वाटेज है, जिसका इम्पीडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार इस टाइप के हमें 4 टॉप यहाँ पर लिए हैं, तो 4 टॉप को चलाने के लिए हम फायर भी लिए हैं एलेक्स 6000। तो गाइस यार मेरा जो फायर है 6000 वाटेज का है, जो कि 2 ओम पे वो निकाल कर दे दे रहा आप लोग को 3000 वाटेज। तो गाइस यहाँ पर मेरा जो टॉप है 1300 वाटेज का है, जब हम दो टॉप को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो 13×2600 वाटेज हो जाएगा और इसका इम्पीडेंस 4 ओम से डायरेक्ट हो जाएगा 2 ओम। तो गाइस यहाँ पर मेरा जो फायर है 3000 वाटेज दे रहा है, तो 400 वाटेज ज़्यादा रहेगा एक चैनल पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और भी आपका स्पीकर खुलकर बजेगा और प्रेशर भी बेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1300 वाटेज का आपका टॉप है लेकिन इसका प्रोग्रामिंग पावर आप लोग को 2600 वाटेज है। तो गाइस यहाँ पर एक टॉप के अंदर 200 वाटेज ज़्यादा भी जाएगा तो आपका टॉप बिल्कुल ही नहीं जलेगा,
तो गाइस सर आप लोग का सिंपल सा कनेक्शन है कि एक चैनल पे दो टॉप को लगा देना है पैरेलल में करके, जो कि 2600 वाट के लोड पे चलेगा, 2 एम्पीयर दे रहा है, 3000 वाट है तो 400 वाट इसका हेडरूम ज़्यादा रहेगा, तब का एम्पीयर भी नहीं जलेगा और इसका साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही परफेक्ट मिलेगा और दूर तक सुनने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग को दूसरे चैनल पर भी दो टॉप को कनेक्शन कर लेना है, जो कि इजीली आप लोग एलेक्स से 6000 वाट के एम्पीयर पे 4 टॉप 1300 वाट का ऊर्जा का चला सकते हैं, जो कि काफ़ी है बेस्ट ये परफॉर्मेंस दे देगा। अब गई सर हम बात करेंगे कि बेस का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो गई यहाँ पर जो मेरा बेस हो रहा है 2600 वाट का हो रहा है, जो कि 18 इंची का बेस है, जो कि 5 इंची वॉयस कॉइल में आता है। तो गई यहाँ पर हम ऊर्जा का एम्पलीफायर लिए हैं जो कि 7600 वाट का है, जो कि 4 पे 2600 वाट ये निकाल कर दे दे रहा है। तो गई सर इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि आपका बेस भी हो रहा है 2600 वाट का, जो कि 4 इंपीडेंस का हो रहा है। तो गई सर मेरा जो एम्पलीफायर है 4 पे 2600 वाट दे रहा है, तो एक चैनल पे एक डुअल बेस को कनेक्शन कर देना है और दूसरे चैनल पे भी एक डुअल बेस को कनेक्शन कर देना है, जो कि इजीली कनेक्शन है, आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब गई सर बात करेंगे कि इस सेटअप में हमें चलाने के लिए पावर देने के लिए एक हैवी क्वालिटी का जनरेटर भी चाहिए। तो गई यहाँ पर हम जनरेटर यूज करने वाले हैं 20 KVA का, जो कि आप लोग 20 KVA का किलोस्कर का भी ले सकते हैं या विदाता का भी ले सकते हैं या महिंद्रा का DG भी ले सकते हैं, जो कि गई आप लोग को मार्केट में 1.5 लाख से या 1,45,000 के बीच में मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग 20 KVA का जनरेटर ले सकते हैं। गाइस सर आप लोग 15 KVA का भी जनरेटर लेकर काम चला सकते हैं, लेकिन गाइस इन फ्यूचर आप लोग लाइट का भी प्रोग्राम बढ़ाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा 20 KVA का जनरेटर, जो कि साउंड क्वालिटी नहीं दबेगा और उसका पावर नहीं दबेगा, तब का सेटअप बिल्कुल ही परफेक्ट ये बजेगा। अब गाइस सर बात करेंगे कि इस सेटअप को कम्प्लीट करने में टोटल प्राइस हमें कितना लग जाएगा। तो गाइस सर इस सेटअप को कम्प्लीट करने में टोटल प्राइस आप लोग को 5,60,000 रुपया लगने वाला है, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग एक ऊर्जा का शक्तिशाली वाटर्स का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि सारा कुछ मटेरियल आप लोग को डिटेल में बताने की कोशिश की है। गाइस सर इसमें आप लोग को DJ वायर और भी कनेक्शन वगैरह वायर लेना पड़ेगा, तो मान के चलिए मोटा मोटी आप लोग इसमें 6 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा। तो गाइस सर ये सेटअप कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जो कि कैसा बचता है। अगर आप कोई भी भाई लोग ऊर्जा के ये न्यू टॉप यूज कर रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं आप लोग, उसके बारे में भी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस सर जिन भी भाई लोग का इस टाइप का सेटअप का डिमांड है, तो आप लोग 6 लाख रुपया 5.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके इस टाइप का सेटअप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ये बेस्ट बजेगा, जहाँ पर भी बजेगा बिल्कुल ही गर्दफार ये बजेगा, आपका साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं दबेगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।